इसका तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाले हैं, बहुत ही शानदार। तो पीडियो को पूरा देखिएगा। हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी की। क्या स्टील अथॉरिटी बॉटम बन गया है? क्या स्टील अथॉरिटी टफ रेजिस्टेंस फेस करेगा 100 रुपए के आसपास में? क्या इस बार 100 रुपीज को क्रॉस कर पाएगा? और अगर 100 रुपीज क्रॉस किया तो इस साल के क्या टारगेट होने वाले? गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और वो स्टील अथॉरिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है आपके डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा और आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के लिए, ऐसा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। तो अगर आपको लगता है मेरी मेहनत आपके लायक है, आप मुझे पसंद करते हैं, तो एक लाइक प्रेस करके मुझे अपनी रजामंदी भेज सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि स्टील अथॉरिटी में हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं देखे तो ये शेयर बहुत ही तगड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक लोअर हाई लगातार बनाने में लगा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के पास से बाउंस बैक लिया, पहले भी उसने 84 रुपीज के आसपास से टर्न लिया था, दोबारा से वो 84 रुपीज के आसपास से टर्न ले रहा है। गाइस इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम के ऊपर नजर डालने की कोशिश करें तो वॉल्यूम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पहले हुआ करते, जब भी उन्होंने बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की है, बड़े इन्वेस्टर्स जब भी आए हैं, इंस्टीट्यूशंस बाइंग हुई है, तो यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों जैसा ही बाजार रहा हो, लड़ाई की बात हो, पर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायस या स्मार्ट मनी प्रवेश करता दिखाई दे रहा है शेयर करने में। तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबल पोटेंशियल प्लेस, पोटेंशियल प्राइस के आसपास से इसने बाय किया है। तो जो भी लोग पोजिशनल स्टॉक को देना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस 84 का नहीं, मैं 80 रुपीज़ का पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके चलूँगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस 80 के नीचे तोड़ेगा, मैं तो री एंट्री करने वाला हूँ। बड़े प्लेयर्स इसमें री एंट्री करने वाले हैं, बट यहाँ पे चांसेस अब मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है। यहाँ पे मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी का एक बॉटम बन गया है गाइस। तो मेरी पूरी चांसेस है कि यहाँ पे हो गया और 100 रुपीज़ जैसे ही क्रॉस करेगा, 100 रुपीज़ के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे और सस्टेन करती हैं और बड़ी अच्छी वॉल्यूम्स आती हैं तो 100 रुपीज़ के ऊपर मेरा पहला टारगेट 110-120, और जिस दिन ही 120 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली गाइस, और मेरा जो साल का टारगेट, जो मैं अपने लिए साल का टारगेट लेके बैठा हूँ स्टील अथॉरिटी के लिए, 185 रुपीज का मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट फेल भी हो सकता है गाइस, अपनी स्टडी करके ही ट्रेड लेना, मैं सिर्फ आपसे अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग सोच रहे हैं इसको एक्युमुलेट करने के लिए, तो यस दिस कुड बी अ पोटेंशियल टाइम की जो पिछले मई से गिरते गिरते अब मार्च में आ गया, तो मतलब एक साल से डाउन ट्रेंड का स्टॉक कहीं ना कहीं रिवर्सल की तैयारी दे रहा है और एक साइन दिया, अच्छा खासा साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर बाइंग समथिंग लाइक स्टील अथॉरिटी और स्टील सेक्टर का कोई शेयर लेना चाहते हो, स्टील अथॉरिटी एक अच्छा शेयर उसमें से हो सकता है। अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। अगर पूरे सेक्टर में नजर डालने की कोशिश करें तो मेटल सेक्टर देखिए, मेटल सेक्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे मेटल सेक्टर का एक जो रेंज है, रेंज भी मेटल सेक्टर का यहाँ पे क्लियर होता दिखाई दे रहा है, रेंज ब्रेकआउट होती दिखाई दे रही है, जो इतने दिनों का रेजिस्टेंस था, अच्छी खासी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो अगर इंडेक्स की बात करें तो 5800 से 5900 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है विद वॉल्यूम्स, एक अच्छा सस्टेंड ब्रेकआउट इसमें आया है। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ से मेटल सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है, अगर जाता है तो सेल का बीटा हाई है, निफ्टी के बीटा से हाई है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में 1% की मूवमेंट आएगी तो स्टील अथॉरिटी में कम से कम 2% की मूवमेंट आनी ही चाहिए, कम से कम 2 के आसपास का स्टील अथॉरिटी का बीटा है, 1.87 के आसपास में, एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप भी देख सकते हैं उसको। बट यहाँ पे दिस कुड बी अ पोटेंशियल मूवर, बाजार मूव करेगा और खराब सिचुएशन में भी बाइंग देखने को मिल रही है, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। सो आई होप गाइस आपको स्टील अथॉरिटी का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक के ऊपर ऐसी वीडियो बने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्टॉक्स लिखिए, जिन स्टॉक्स के ज्यादा नाम रिपीट होंगे उनके बारे में हम वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।